हे एवरीवान दिस इज चा दिनानी मैग्नेट ब्रेन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक एक्सटिंक्ट स्पीशीज सो ऑलरेडी हम ये जो टॉपिक है एक्सटिंक्ट स्पीशीज का उसको डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो वे वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है एंड कौन कौन से ऐसे स्पीशीज एनिमल्स या बर्ड्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं ऑल्सो उनकी एक्सटिंक्शन का रीजन क्या है दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड अब जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं लाइक like इस टॉपिक में अगर हमको देखना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर वन पूछा जा सकता है एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है क्लियर जैसे हम एंडेंजर्ड में नहीं कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व, तो मैंने आपसे पूछा था बताओ इनमें से क्या सही है अकॉर्डिंग टू लाइक द ऑप्शन जो करेक्ट डेफिनेशन है एंडेंजर्ड की उसी तरीके से एक्सटिंक्शन की भी आपसे डेफिनेशन या एक्सटिंक स्पीशीज की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई कौन है जो रेड लिस्ट बनाता है या कौन है जो डिक्लेयर करता है कौन एक्सटिंक्ट है कौन एंडेंजर्ड है एक्सेट्रा आई आई का फुल फॉर्म क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके अलावा कौन सी लिस्ट होती है लाइक कलर्स दे देंगे तो रेड लिस्ट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि एनिमल या स्पीशी का फोटोग्राफ दे दे इमेज दे दे कि भैया बताओ ये वाला जो एनिमल है उसका नाम क्या है बताओ इसका स्टेटस क्या status है स्टेटस का इन द सेंस यानी कितना पैसा है स्टेटस का मतलब होता है कौन सा मई डेंडेंजर्ड है कि थ्रेटेड है कि एक्सटिंक्ट uh, हो गया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके अलावा हो सकता है आपको डायरेक्ट नाम दे दें दे, एक एनिमल या बर्ड का और रीजंस पूछे है. बताओ क्यों एक्सटिंग हो गया है ये या ये एनिमल या so, uh, कुछ ऐसे से और हैं जिनके बारे में ना कभी डिक्लेयर किया गया एक्सटिंग फिर देखा कि नहीं एक दो नंबर बचे हैं कहीं पे फिर उनको बोल दिया कि भैया ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है फिर एकदम से बोल दिया नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं ठीक है बट uh, जिनका स्पेसिफिक है ईयर वो मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो वी विल गेट टू सी द फैक्ट और द ईयर इन दिस वीडियो टू सो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर्श और sure आप एक्सपेक्ट कर सकते हो uh, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जनरली डायरेक्ट पूछा जाता है सो डोंट वरी अबाउट इट सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटिंक्ट एनिमल इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है जो एक एक्सटिंक्ट एनिमल का सही एग्जाम्पल uh, है या वो एक्सटिंक्ट एनिमल है हो सकता है बाकी जो है वो वल्नरेबल हो वो एंडेंजर्ड हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो थ्रेटेंड हो, हो तो इनमें से एक कोई है क्योंकि देखो चारों अलग अलग ऑप्शन है तो एक कोई है जो कि क्या है एक्सटिंक्ट है सो गैन्ज रिवर डॉल्फिन वकीटा डोडो माउंटेन गोरे तो हमने एक्सटिंक्ट वाला जो वीडियो था प्रीवियस वाला उसमें हमने सिर्फ ऑप्शन नंबर सी डोडो पढ़ा है सो डोडो इज द वर्ड जो कि क्या है एक्सटिंक्ट है एंड दिस इज लाइक दस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट बिकॉज आई डोंट थिंक कि कोई होगा जिसको नहीं पता कि डोडो जो वर्ड है वो एक्जिस्ट करती नहीं है इट इज एक्सटिंकट क्लियर ओके सेकेंड क्वेश्चन है ब्लैंक इज द एक्सटिंकट स्पीशीज ऑफ स्मॉल ग्रीन न्यो ट्रॉपिकल पैरट इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक स्मॉल ग्रीन न्यूट्रॉपिकल पैरट का सब स्पीशी है और साथ ही साथ ये एक्सटिंक्ट हो चुका तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने सबसे लास्ट एनिमल या आप कहना चाहिए लास्ट बर्ड जो हमने डिस्कस किया था एक्सटिंक्ट स्पीशीज में वो एक पैरट था है ना तो वो कौन सा वाला है सो इज इट कैरोलीना पैराकीट इज इट इरावदी डॉल्फिन इज इट जाय पांडा इज इट ब्लैक स्पाइडर मंकी मतलब सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इतना आसान हो जाता है बिकॉज बाकी तीन पैरट है ही नहीं ऑप्शन बी सी डी पैरट थोड़ी है बट अगर हो सकता था आपको यहाँ इरावदी जैन पांडा की जगह कोई और नाम वकीटा और यहाँ पर आपको स्पाइडर ब्लैक स्पाइडर दे देते स्पाइडर भी नहीं देते यार मतलब आपको तो क्लियर हो जाता है कि पैरेट नहीं है चलो एक ऐसे रख लेते हैं सो so, फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि भाई कौन सा पैरेट का स्पीशी है सो so, बहुत आसान है ऑप्शन नंबर ए जो है कैरोलिना पैरकिट ये एक ऐसा स्पीशी है जो कि एक पैरेट का स्पीशी है स्मॉल ग्रीन न्यू ट्रापिक ट्रॉपिकल पैरेट और इसको एक्सटिंक्ट माना गया है सो नो मोर इसका कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है क्लियर ओके थर्ड क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज द रीजन ऑफ एक्सटिंक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड द सी अर्चिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हमने एक डिस्कशन किया था इन द प्रीवियस वीडियो जहाँ हम बात कर रहे थे कि इनमें से एक कोई है जिसका जो डिक्लाइन हुआ है नंबर में वो फॉर श्योर हंटिंग पोचिंग वगैरह तो था ही साथ ही साथ बिकॉज एक सी अर्चिन पॉपुलेशन बढ़ गया तो ये जो वाटर कैल्प्स होते हैं जिनको इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो खाता है तो उसका नंबर जो है इनका नंबर बढ़ा इनका नंबर बढ़ा तो वाटर कैल्प ये भी खाने लगे अब खाने लगे तो वाटर कैल्प का नंबर खत्म हो गया कम हो गया कम हो गया तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशी है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया बिकॉज इनका खाना जो है वो कम पड़ रहा था करेक्ट सो so, वो कौन सा पर्टिकुलर आ, स्पीशी है या एनिमल है या जो भी है जिसका आ, जो एक्सटिंक्शन है उसका एक रीजन सी और चीन का पॉपुलेशन बढ़ना भी माना जाता है सो इज इट बोनियन ओ इज इट जाय टाट इज इट जैव राइनो इज इट स्टेलर सी कौन सा पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे जहां वर्ड है द नेम लाइक द क्वेश्चन इज द नेम ऑफ विच एक्सटिंट स्पीसी मींस Passing by. से कौन सा वाला है जिसके नाम का मतलब पासिंग बाय होता है इज इट जैगवार इज इट मरीन इगुआना बड़ा आसान है एक इनमें से ऐसा वर्ड है जिसके बारे में हमने पढ़ा था ये सबसे पहला हमने यही डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में Um, जो माइग्रेट करते हैं उनका जो एक फ्लॉक में माइग्रेट करने का आदत है उस पर डिपेंडेंट इनका नाम जो है वो पासर बाय रख दिया गया था सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो है पैसेंजर पीजन जिसका नाम जो है वो पासिंग बाय है पासिंग बाय पीजन साथ ही साथ ये एक्सटिंक्ट है इनका कोई नंबर अब नहीं बचता है क्लियर ओके नेक्स्ट है द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल इज तस्मैनियन टाइगर तो हमने एक इमेज भी देखा था जहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके स्ट्राइप्स हैं तो इसको तस्मानियन टाइगर भी कहा जाता है साथ ही साथ ये वुल्फ जैसा भी दिखता है तो तस्मैनियन वुल्फ साथ ही साथ कैट जैसा भी दिखता है ठीक है सो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था सो विच वन इट इज इट इज प्रोग इज इट थाइलसिन इज इट वाइट राइनो इज इट मकाव तो थाइलसिन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इनका जब हमने डिस्कशन किया था तब हमने देखा था इमेज में ही समझ आ रहा था कि ये टाइगर जैसा वुल्फ जैसा है अपियरेंस में सो so आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी था जिसको तस्मानियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता है क्लियर ओके सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीशीज ऑफ फ्लाइटलेस एल्सिड दैट बिकेम एक्सटिंक्ट इनमें से कौन सा वाला एग्जाम्पल जो है या स्पीशी जो है वो एक फ्लाइटलेस एल्सिड है

सेवन क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर द डोडो टू गो एक्सटिंक्ट ऐसा क्या हुआ कि डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई वर्ड स्पीशी वॉट वॉर द प्रोमेंट रीजन सी रीजन कैन बी एनी अदर ऑल्सो इट ऑज नॉट लाइक सिर्फ यही रीजन होंगे या इसके अलावा हो नहीं सकता दैट इज समथिंग विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी क्लियर सो कुछ भी हो सकता है हो सकता है कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो अभी पता भी नहीं है हो सकता है कि वो रीजन जो है वो माने जाते हैं कुछ हाइपोथेरिकल हैं कुछ फैक्चुअल हैं वी नेवर नो सो इस तरीके से ये तीन ऑप्शन जो है वो पढ़ लेते हैं विच वन गोज द बेस्ट

इलीगल होता है तो दोनों ही हंटिंग sort of. तो भी आ जाए तो भी सही तो हंटिंग रीजन जिसकी वजह से रायनॉस जो है उनका नंबर कम हो गया सो वेस्टर्न ब्लैक रायनोसर एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ पोचिंग लॉस एंड हंटिंग तो ऑल ऑफ दगेन इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन टू क्लियर ओके थ क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू था इनमें से क्या है जो थाजमानियन टाइगर से रिलेटेड सही नहीं है नॉट पूछा इट इज एन एक्सटिंक्ट कार्निवोरस मार्सुपियल यस ये एक्सटिंक्ट हो चुका है ये कार्निवोरस भी है और मार्सुपियल भी है सो ऑप्शन ए जो है वो तो सही है दीज क्रीचर्स व वेरी शाए एंड अवॉयडेड ह्यूम ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्पीशीज़ थे वो शर्मीले थे शाए थे और इसीलिए ह्यूमन बींग्स को अवॉइड करते थे उनके सामने नहीं आते थे सो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है द थालिसिन बिकेम एक्सटिंक्ट ऑन द इंडियन मेन लैंड द था बिकेम एक्सटिंकट ऑन द ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड तो कौन सा सही है इंडियन मेन लैंड भी सही नहीं है ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड इज द करेक्ट वन कि भाई ये जो है कार्निवोरस एक्सटिंक्ट मार्सुपियल शाय अवॉयडेड ह्यूमन एंड एक्सटिंक्ट हो गया ऑन ऑस्ट्रेलियन मेन लैंड नॉट इंडियन मेन लैंड सो इसीलिए क्या है जो सही नहीं है नॉट करेक्ट बोला है फॉर श्योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दे डिड नॉट बिकेम एक्सटिंक्ट ऑन इंडियन आइल क्लियर ओके आ जाते हैं टेंथ क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड एक्सटिंक्शन यानी इनमें से कौन सा डेफिनेशन है जो वर्ड एक्सटिंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है इज दट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंट मतलब ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल वर्ड पे हैं बिल्कुल बाउंड्री पे हैं और कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं नहीं वो एक्सटिंक्ट हो गए तो यह गलत है द स्पीशीज दैट आर लाइकली टू बिकम एंड अनकमस्टांसिस थ्रेटनिंग इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इम्प्रूव ये दिया है कि जब तक कोई स्पीशी है उनके जो सर्कमस्टांसिस हैं सिचुएशन हैं वो इम्प्रूव नहीं हो जाते साथ ही साथ रिप्रोडक्शन की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो जाती तब तक ये एंडेंजर्ड होने वाले हैं भैया एंडेंजर्ड पे हम थोड़ी हम तो गायब हो गए गा उनकी बात कर रहे हैं तो ये भी गलत है थर्ड है स्पीशीज नंबर्स और विल स्पीशी विद इन थ्री जनरेशन स्पीशी का नंबर कम हो गया है या तीन जनरेशन में 80 प्रतिशत तक नंबर कम हो जाएगा ये करेक्ट डेफिनेशन एक्सटिंक्शन की बिल्कुल भी नहीं कम हो जाएगा क्या बच्चा ही नहीं है

क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता है और वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम अच्छा ठीक है जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है अभी हम आगे पढ़ेंगे सो so यहां पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ द एनिमल शोन इन द पिक्चर इनमें जो एनिमल दिखाया गया है इसका सही नाम क्या है अब देखो ये जो एनिमल है ये भी एक्सटिंक्ट है इसकी बात हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में साथ ही साथ इस इमेज पे ही स्ट्रेस करते हुए मैंने बोला था अगर क्वेश्चन आ गया तो जिससे डिस्टिंग कर सकते हो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फोटोग्राफ से डू इट तो वो यही क्वेश्चन है सो so कौन सा एनिमल थायलेसिन, पायरेनियन आईबेक्स टेलर सी काओ, ग्रेट ऑक सारे पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो सकते हो फॉर श्योर sure, इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी विच इज पायरेनियन आईबेक्स बिकॉज थायलेसिन तो ऐसे टाइगर टाइप के स्ट्राइप्स होंगे स्टेलोसी का हो तो एक वाटिक है तो हमने एक वाटिक टाइप का देखा था और ग्रेट ऑफ वीट बर्ड है तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सो so, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्ट आंसर है नेक्स्ट आ जाते हैं थर्टीन क्वेश्चन पे वेन वॉज वेस्टर्न ब्लैक राइनोसर इज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट कौन सा साल था वो कौन सा ईयर था जब वेस्टर्न ब्लैक राइनोस को एक्सटिंक डिक्लेयर कर दिया गया वॉज इट टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड नाइन सो आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी दो हजार ग्यारह में इसको एक्सटिंक्ट जो है वो घोषित कर दिया गया था नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्टीन क्वेश्चन पे वेन डिड मार था लास्ट पैसेंजर पीजन डाइट मैंने बोला अभी भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आने वाला है तो यही है कब मार्था या लास्ट पैसेंजर पीजन जो है उसकी डेथ हो गई थी वॉज इट सेप्टेंबर फर्स्ट नाइनटीन टेन September सेप्टेंबर 1912 September टप्टेंबर 1914 या September या सेन सो यहाँ पर September 1 तो सेम रहने वाला है फॉर श्योर sure हमको पता है बट बाकी ईयर्स में जो हमने पढ़ा था वो क्या है ऑप्शन नंबर सी 1914 फोर्टीन वॉज द करेक्ट नाइन उन्नीस सौ चौदह बोला भी था मैंने वॉज अ करेक्ट ईयर जिसमें पैसेंजर पीजन जो लास्ट पैसेंजर पीजन है मार था उसको एक्सटिंक्ट देखा गया या वो इट डाइड क्लियर ओके okay. आ जाते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे विच इज इन विच ईयर द लास्ट डोडो और सी कौन सा साल था जिसमें आखिरी बार डोडो को देखा गया था वॉज इट सिक्सटी सिक्सटी फाइव सिक्सटी टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी 62 कहीं कहीं पे 63 भी दे देते हैं तो ये दोनों के बीच में फाइट है कि 63 है कि 62 है सो वट यू गेट एज एन ऑप्शन प्लीज गो विद दैट सो 62 टू इज द वन जो यहां पर सबसे करेक्ट आंसर है कि लास्ट नोडो वो सीन इन दिस ईयर सो विद दिस वी हैव कम्पलीटेड द फिफ्टीन क्वेश्चन जो कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज पे बेस्ड है आई होप आपका रिविजन भी हो गया साथ ही साथ आपको एक अच्छी तरीके से पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिपेयर विद दिस टॉपिक डन ओके सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द टॉपिक बट देयर इज वन मोर थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस वो ये है कि आपको सबको पता है कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक जो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज के वीडियोस हैं वो तो आपको मिलते ही है मैगनेट रेंज पे साथ ही साथ ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है टॉप नॉच क्वालिटी का मिलता है बट आपके पास और भी ऑप्शन हैं जो आप वही टॉप नॉच क्वालिटी और फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ पढ़ सकते हैं और वो ये है कि आपको अगर एन टी एस सी की प्रिपरेशन करनी है वो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे आपको ओलंपियाड प्रिपेयर करना है गो फॉर इट ऑल्सो अगर आपको एग्जाम्पलो वीडियो चाहिए आपको वन शॉट रिविजन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्स्ट्रा लर्निंग एक्टिविटी सीरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी चाहिए ना आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आर चैनल एंड किसी भी चीज के लिए आपको कुछ भी चार्ज नहीं मांगा जाएगा सो इफ यू फील आपको इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ देन प्लीज डू विजिट द वेबसाइट ऑफ आर चैनल बिकॉज वहां पर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए टू एक्सप्लोर एवरी ऑप्शन वट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल टाइप मैगनेटमीन डॉट कॉम जैसे ही जाओगे मैगनेटमीन डॉट कॉम पे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा अब इस पेज पर पे ध्यान से देखो आपको सब कुछ वही मेंशन है जैसे मैंने आपको बोला सो वट एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट study just click on it ntsc olympiad classes exemplar etc फॉर एग्जाम्पल आप क्लास एट्थ जनरल नॉलेज का कोई वीडियो देखना चाहते हो क्या करोगे क्लास एट्थ पे क्लिक करो सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे जस्ट लुक फॉर जनरल नॉलेज नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं आपको स्क्रॉल करना है एंड यू विल गेट क्लास एट्थ जी के जस्ट हेयर जैसे ही देखो इस सब्जेक्ट को क्लिक कर दो क्लिक करने के बाद आपके पास सारे टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी क्लिक ऑन टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं क्लिक करो वीडियो जो है द टॉपिक्स so, जो पढ़ने वाले ऑन द क्रॉस आईकॉन सो दैट आपके पास वापस टॉपिक्स की लिस्ट आ जाए क्लिक ऑन द टॉपिक टू वीडियो इफ यू फील आपको और भी ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं वो क्लास के हो वो सब्जेक्ट के हो वो टॉपिक के हों क्लिक ऑन द बैक बटन फॉलो द सेम स्टेप्स एंड गेट सो दिस इज हाउ इजी इट इज जस्ट गो एंड विजिट द वेबसाइट सो दैट यू कैन एक्स so many options done okay so with this we have finally come to an end of today's topic that is the multiple choice questions based on the topic extinct species i hope after the previous video tha the facts and also this video jaha questions has clear ho gaya hai. and you know exactly how the questions can be asked and what are the different answers if you feel that everything is clear to you and this video was for sure informative प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप टू द वीडियो ऑल्सो शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन ताकि जिनको भी एक क्विज अटेंट करना हो दे कैन फॉर श्योर गो थ्रू द क्वेश्चन इफ यू फील आप शेयर कर सकते हैं अबाउट माइग्नेट ड्रीम्स विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिले एंड येस अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो हमारे चैनल की डू सब्सक्राइब टू माइग्नेट ड्रीम्स सो विद दिस डो नॉट फोगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एंड वी हैव कम टू ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट टू वेरी द नेक्स्ट टॉपिक टिल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय